SBI में अकाउंट, तो यह खबर जानना बहुत ही जरूरी है। यदि SBI खाता जो है आपके भी अकाउंट है, तो यह न्यूज़ जान ले कि क्या चीज़ SBI में क्या बदलाव किए हैं, क्या चीज़ हुई है। काफ़ी जो अकाउंट जो है क्लोज हो रहे हैं ऑटोमेटिक, SBI ने काफ़ी खाता जो है बंद कर दिए गए हैं। तो यदि आपका भी SBI में अकाउंट है, तो यह न्यूज़ पूरी जान ले। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ जो हम लोग जो आज जो बात करने वाले हैं, SBI बैंक की ओर से न्यूज़ आ रहे हैं, जो कि मैक्सिमम जो है भारत में सबसे ज़्यादा कस्टमर है तो SBI के पास है। और हमें पता है कि हर किसी के पास, हर घर में, हर फैमिली के पास SBI का खाता जो है अकाउंट रहते हैं। तो यदि आपका भी अकाउंट है SBI में, तो यह वीडियो जरूर आप अंतिम तक जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि आज का टॉपिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं, देश के सबसे बड़े बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या हुआ है। बहुत सारे जो अकाउंट बंद किए गए हैं SBI की तरफ से, तो कहीं आपका भी अकाउंट बंद ना हो गया होगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपका अकाउंट बंद है या ओपन है। तो हमें कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। देखना चाहते हैं कि कितने लोगों का SBI के अकाउंट अभी भी स्टार्ट है और कितने लोगों का बंद हो चुके हैं, तो कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पूरा मामला क्या है। ये जो न्यूज़ जो है निकल के आ रहे हैं, न्यूज़ 18 की ओर से, SBI ने 41.16 लाख सेविंग एक बैंक अकाउंट को बंद करने की बताई असली वजह, जाने पूरा मामला। यानी कि 41.16 लाख जो है सेविंग अकाउंट को बंद कर दिए गई। SBI ने 41.16 लाख सेविंग अकाउंट बंद करने को लेकर सफाई देते हुए कहा कि अकाउंट को बंद करने के पीछे मुख्य वजह एसोसिएट बैंकों के मर्जन की वजह से किया गया। तो आते हैं पूरा मामला क्या है, देखते हैं। आप भी इस वीडियो को जरूर अंतिम तक देखें। यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो सबसे पहले स्टेप में लिखे हैं, देश के सबसे बड़े बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अकाउंट है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैंक ने करीब 41.16 लाख खाते बंद करने को लेकर सफाई दी है। SBI ने अपने बयान में कहा कि इन बैंक अकाउंट को मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना कर पाने की वजह से नहीं, बल्कि एसोसिएट बैंकों के साथ इसके मर्जन की वजह से बंद किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में SBI ने बड़ा फैसला लेते हुए औसत न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव शुल्क में 75% तक कटौती की है। इस कदम से स्टेट बैंक के 25 करोड़ ग्राहकों को फायदा होगा। असली स्लाइड में जानिए, यहाँ पर जो है लिखी हुई है कि कहा जा रहा है कि इसमें जो है टोटल जो है SBI जो बैंक थे उसमें टोटल जो बैंक को जो है इसमें जो बैंक को 41.16 लाख जो है खाता को इसमें क्लोज कर दिए गए और 75% जो है कटौती की गई है, जिसमें स्टेट बैंक के जो 25 करोड़ ग्राहकों को फायदा होगा। तो आइए पूरा मामला देखते हैं। फिर आगे लिखी हुई है कि SBI ने मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल महीने से लेकर जनवरी महीने तक अकाउंट बंद किए। इसके पीछे कस्टमर्स द्वारा मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किए जाने को माना जा रहा था। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट आने के बाद बैंक ने यह सफाई दी है कि SBI ने कहा कि कस्टमर के इसके एसोसिएट बैंक और SBI में भी कई अकाउंट थे। अप्रैल 2017 में हुए मर्जन के बाद इनमें से कई अकाउंट बंद किया गया। फिर आगे जो मामला है क्या देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहेंगे, इस वक्त SBI में 41 करोड़ सेविंग अकाउंट है और मौजूदा वित्त वर्ष में 2 करोड़ नए सेविंग अकाउंट खोले गए हैं। मतलब कहा जा रहा है इसमें कि 41 करोड़ जो अभी प्रेजेंट में है, सबसे ज़्यादा 41 करोड़ अकाउंट जो है SBI के पास है, और मौजूदा जो 2 वर्ष में जो है या वित्त वर्ष में, मतलब पिछला एक साल में 2 करोड़ नए सेविंग अकाउंट को खोला गया है। इनमें से 1 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट प्रधानमंत्री धन जन योजना जो है उसके तहत, 1 करोड़ जो योजना है जन धन योजना के तहत है, जिन्हें मिनिमम मंथली बैलेंस से छूट है। बैंक ने यह भी कहा कि जो कस्टमर्स मिनिमम मंथली बैलेंस रख पाने में सक्षम नहीं है, वे अपने रेगुलर सेविंग अकाउंट को बेसिक सेविंग
बैंक अकाउंट में बिना किसी चार्ज के कन्वर्ट करा सकते हैं। यदि आप अपना अकाउंट मेंटेनेंस नहीं कर पाते तो इस अकाउंट में जरूर आप जाकर एक बार कन्वर्ट करा लें, ठीक है। बैंक अकाउंट को जरूर आप जाकर कन्वर्ट करा लें, क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट आ रहे थे पूछ रहे थे कि हमारे पास जो है हम लोग SBI में काफ़ी जो है चार्ज काट रहे हैं मिनिमम बैलेंस के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे क्या ऐसा। तो आप इस अकाउंट को कन्वर्ट कर लें। जैसे कि सेविंग अकाउंट दो तरह के होते हैं, यहाँ पर अपने जो है रेगुलर आपका एक रेगुलर सेविंग अकाउंट को बेसिक सेविंग अकाउंट में बिना किसी चार्ज के, तो बेसिक में आप कन्वर्ट करें। एक होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट और एक होता है बेसिक सेविंग अकाउंट। यदि आप जानना चाहते हैं कि बेसिक सेविंग अकाउंट में कैसे हम लोग करते हैं कन्वर्ट, तो ये हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइए। हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि अपना अकाउंट को सेविंग जो बेसिक सेविंग अकाउंट में किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। और हमें यह भी कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने लोगों का अकाउंट अभी तक बंद कर दिए गए और कितने लोगों का जो है अभी भी चालू है। तो इस चीज़ को हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, हम जानना चाहते हैं कि कितने लोगों के कमेंट। तो यदि इस टाइप से SBI से या किसी भी प्रकार का कोई न्यूज़ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहे। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ।